हाजिर हूँ अपने चैनल पर आपके सामने कुछ नया लेकर। यह अलग बात है, मैं बहुत दिन के बाद हाजिर हुई हूँ। आज तो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ रहती, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए थोड़ा गैप हो जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुतों ने हमारे से मुझसे बहुत सारे विषय के बारे में बताने के लिए कहा, जिज्ञासा जाहिर की, लेकिन मैं समय अभाव के कारण आप लोगों की जो डिमांड है उसे पूरी नहीं कर सकी। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से हाजिर हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं पुनः जल्दी जल्दी आप लोगों को नई नई बातें, नई नई टॉपिक से अवगत कराऊँ। तो आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण भाग लेकर के आपके पास आई हूँ, और यह प्राचीन भारत का जो समय है उसके अंतिम चरण से संबंधित है। और आज का टॉपिक है हमारा राजपूतों की उत्पत्ति। हमने प्राचीन भारत का इतिहास जो पढ़ा, वैदिक काल की बात करें या उसके बाद की बात करें, मौर्य काल की बात करें, हर्ष के काल की बात करें, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा। उसमें हमने क्षत्रिय के बारे में पढ़ा कि किस तरह वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय होते थे। तो आज मैं बात करूंगी राजपूतों की। तो ये राजपूत शब्द अगर कहा जाए तो 7वीं शताब्दी के बाद प्रयोग में आया। राजपूत शब्द का प्रयोग 7वीं शताब्दी के बाद किया जाने लगा। और जैसा कि हम जानते हैं, राजपूत का क्या अर्थ निकलता है, राजा का पुत्र। संस्कृत का शब्द राजपुत्र से ही राजपूत बना हुआ है, और इसका मतलब है राजा का पुत्र। तो हर्ष वर्धन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हो गए, बहुत परिवर्तन आया हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। हमने देखा कि किस तरह भारत में भी भारतीय सामंतवाद का जन्म हुआ, और इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य बने, सामंत बने। तो कहा जाता है कि राजपूत जो हैं वह ये सामंत ही थे, जो राजा के अक्सर सामंत कौन होते थे, राजा के परिवार के होते थे, उनके पुत्र होते थे, उनके बहुत करीबी संबंधी होते थे। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति का जो विषय है यह बहुत ही विचार करने वाला विषय, इस पर बहुत विचार हुआ है, बहुत इस पर शोध हुआ है कि ये राजपूत कौन थे। कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं, बहुत लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वैदिक काल या इस क्रम में इसके पहले, यानी राजपूत काल से पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे वर्ण व्यवस्था में, वही क्षत्रिय राजपूत हैं। ये मानने के लिए बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे विद्वान तैयार नहीं है, और इस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। उन्होंने अपने शोध पर, अपनी खोज पर, उन्होंने जो पढ़ा, जो जाना, उस पर उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। और इसलिए यह जो सवाल परीक्षाओं में आता है कि राजपूत कौन थे, इसको आप डिस्क्राइब करें, तो इसे हम जानते हैं बहुत ही सरल और संक्षेप में, सरलता के साथ और बहुत ही संक्षेप में जानेंगे कि ये राजपूत कौन थे, किनका क्या कहना है कि ये राजपूत कौन थे। तो सबसे पहले हम एक विचार लेते हैं कि राजपूत विदेशी थे। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, ना सिर्फ भारत के इतिहासकार, सॉरी, ना सिर्फ विदेश के इतिहासकार, बल्कि भारत के भी कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे शोधकर्ता हैं, जिन्होंने कहा कि ये राजपूत जो हैं वह
विदेशी थे, यानी विदेश से आए थे। कौन विदेश से आए थे? तो हमने पढ़ा है प्राचीन भारत में किस तरह विदेशियों का आक्रमण समय समय पर भारत पे होता रहा। शक आए, कुषाण आए, सिथियन आए, ऐसे बहुत सारे विदेशी जातियों का आगमन भारत में होना और भारत में आकर यहाँ पे मिल जाना, यहाँ के लोगों में घुल मिल जाना, यहाँ शादी ब्याह कर लेना, यहीं पे बस जाना, यहाँ के रीति रिवाजों को ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, यहाँ के संस्कार को मान लेना, तो इन बातों को उन्होंने अपने स्तर से देखा और कहा कि ये राजपूत जो थे यह मूलतः विदेशी थे। यही शक होंगे, कुषाण हैं, सीथियन हैं, वही हैं। और यह मत मानने वाले कौन कौन हैं? सबसे पहले हम वी स्मिथ का नाम लेते हैं, स्मिथ महोदय हैं, कर्नल टाड महोदय हैं, क्रूक हैं, इसके अलावे भी हैं बहुत लोग, कैंपबेल हैं, जैक्सन हैं, ये सारे लोगों का कहना है कि राजपूत विदेशी थे। और हमारे देश के डॉक्टर भंडारकर महोदय जो है इतिहासकार, उनका भी कहना है कि ये राजपूत विदेशी थे। अब हम बात करेंगे कि इनमें जो भंडारकर महोदय हैं और क्रूक महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा कि राजपूत गुर्जर जाति के थे और मध्य एशिया से आए थे, शकों के साथ आए थे, और यहां आकर के उन्होंने यहां के लोगों में वो मिल गए, अलग अलग जगहों में बस गए और ये राजपूत कहलाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिहार जो थे, प्रतिहार वंश के जो राजपूत थे, यह विदेशी थे। कैसे, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अरबों ने और राष्ट्रकूटों ने प्रतिहार को विदेशी कहा था, इसलिए इनका भी कहना है कि यह विदेशी थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अरबों के पड़ोस में जो थे वो गुर्जर प्रतिहार कहलाते थे। प्रतिहार जो है कन्नौज में थे, कन्नौज के प्रतिहार को कहा गया कि ये विदेशी थे। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रतिहार को प्रादेशिक भी कहा गया दूसरे के प्रतिहार को, लेकिन इन सब के बाद भी इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सका कि प्रतिहार जो है वह विदेशी थे, क्योंकि राष्ट्रपुतों ने कहा, अरबों ने कहा, तो ऐसी कोई प्रामाणिकता उन्होंने नहीं दी जिससे कहा जा सके कि वो विदेशी थे। प्रतिहार के बाद चालुक्य, कहा जाता है कि चालुक्यों ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात को अपने कब्जे में लिया, वह गुर्जर थे उन लोग, इसलिए वो जगह गुजरात कहलाया। गुजरात को पहले लाट क्षेत्र कहा जाता था। इसके विरोध में विद्वानों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि पूरे गुजरात को लाट क्षेत्र कहा जाता था, गुर्जर यहाँ आए तो वो गुजरात कहलाया, ऐसी बात नहीं है। गुजरात का दक्षिणी भाग जो था वह लाट क्षेत्र कहलाता था और गुजराती भाषा के आधार पर उस क्षेत्र को गुजरात कहा गया, तो इस बात को भी निरस्त किया गया। चहमान, चहमान के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ मुद्राओं का अध्ययन किया भंडारकर महोदय ने, जिसमें उन्होंने वासुदेव वहमान नाम पढ़ा और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये चहमान जो थे वह विदेशी थे, यह भी प्रमाणित नहीं हो पाया। परमार के बारे में उन्होंने कोई खास साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजपूत विदेशी थे, यह कहना गलत होगा, क्योंकि राजपूतों ने जो अपना शौर्य दिखाया विदेशी शक्तियों से लड़ने में, अपने देश की रक्षा विदेशी आक्रांताओं से करने में, तो यह सिर्फ और सिर्फ एक क्षत्रिय के द्वारा ही संभव था, यह कहना इतिहासकार डॉक्टर बैनर्जी का है। इसके अलावा सीवी वैद हैं, उनका भी कहना है कि इनमें जो शौर्य था, इनमें जो पराक्रम, इनकी जो शक्ति थी, वह एक
भारतीय में ही थी जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए विदेशियों से के सामने वो अड़े, उनसे लड़े, साथ ही साथ धन की रक्षा के लिए इन्होंने अपने कंधे पे यह उत्तरदायित्व तो उठाया। तो इन सब से यह सिद्ध होता है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि राजपूत विदेशी थे। तो ये तो हुई बात कि राजपूत विदेशी थे और काटा गया कि राजपूत विदेशी नहीं थे। अब हम बात करते हैं राजपूत वीर जातियां थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं इतिहासकार, उन्होंने कहा कि जो बाहर से वीर जाति आई, लड़ाकू जाति आई, वह यहां आकर के यहां के जाति में, यहां के जो लोग थे उसमें घुल मिल गई, यहाँ के रीति रिवाजों को, यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की हर बातों को उन्होंने आत्मसात किया। इसलिए ये जो राजपूत हैं, ये बाहर से तो आई हैं, लेकिन यहीं की हो गई हैं, और यह जो है वीर जाति है। इसे ब्राह्मणों ने भी एक प्रकार का ठप्पा लगा दिया कि हाँ आप यहीं के हैं, ऐसा ईश्वरी प्रसाद का कहना है। तो ये एक और विचार है। अब एक विचार क्या है, अग्नि कुंड से उत्पत्ति, यह बहुत ही रोचक बात है। और अग्नि कुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत बार सवाल आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति में अग्नि कुंड के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अग्नि कुंड के सिद्धांत के तहत राजपूतों की उत्पत्ति हुई कैसे, ये सवाल आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है, माउंट आबू पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ ऋषि मुनि कर रहे थे। कौन से ऋषि मुनि? वशिष्ठ, गौतम, अगस्त, ये ऋषि मिलकर यज्ञ कर रहे थे। उनके हवन कुंड में दुष्ट दानवों द्वारा या दुष्ट आत्माओं द्वारा उनके यज्ञ में खलल पैदा किया जा रहा था, विघ्न पैदा किया जा रहा था। उसमें हवन कुंड में मांस, हड्डी, रक्त जैसी चीज डाल दिए जा रहे थे। तो ये जो ऋषि मुनि थे बहुत परेशान हुए कि यह उनकी यज्ञ की पवित्रता को समाप्त करता था। तो ऐसे में वशिष्ठ ने एक नया हवन कुंड तैयार किया और उस नए हवन कुंड से अग्नि के द्वारा क्या प्रतिहार परमार और चालुक्य, ये तीन नाम के वीर को पैदा किया गया अग्नि से कि आप लोग इन दुष्ट दानवों से इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, हमारा यज्ञ सफल कीजिए। लेकिन इन लोगों ने सफलता इसमें नहीं पाई। तब वशिष्ठ मुनि ने एक और हवन कुंड तैयार किया और वहां से उस अग्नि से एक और वीर पैदा किया जिसका जो क्या कहा गया, चहमान। और इन्होंने ऋषि मुनि का यह कार्य सिद्ध किया और उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये जो राजपूत वंश है, प्रतिहार, परमार, चालुक और चहमान, यह अग्नि कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऋषि मुनियों के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। इस मत को डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर क्रुक दोनों मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका कहना हाँ सही बात है, जो विदेशी आए थे उनको अग्नि के द्वारा यानी हवन के द्वारा उनको पवित्र किया गया और उसे अपने समाज में मिलाया गया, इस हिंदू के समाज में मिलाया गया। तो मैंने कहा ना कि वो राजपूत जो है विदेशी थे, तो उनका कहना है कि नहीं, ये वही बात है, बस ये कहानी है, लेकिन बात वही है कि विदेश से आए हुए विदेशी थे,
उसको अग्नि के द्वारा उसे शुद्ध किया गया, विशुद्ध किया गया और भक्ति समाज में मिलाया गया। लेकिन लेकिन इस बात का विरोध बहुत जोर से होता है, चाहे वो गौरी शंकर ओझा हो, चाहे दशरथ शर्मा हो, इनका कहना है कि यह बस एक कहानी है, क्योंकि ये कहानी जो है अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी, ये कहां लिखी गई है? ये जो चंदर बरदाई एक लेखक हैं, जिन्होंने पृथ्वी राज रासो की रचना की थी, उस पुस्तक में यह कहानी लिखी हुई है। इन विद्वानों का कहना है कि जो पृथ्वी राज रासो की जो प्राचीनतम प्रकाशन है, उसकी प्रकाशित पुस्तक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। ये बाद के समय में जब नए प्रकाशन हुए तब उसमें ये चीज जोड़ा गया है, उनका ऐसा कहना है। दूसरी बात कि हवन कुंड से व्यक्ति की उत्पत्ति या वीरों की उत्पत्ति, ये तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता, ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं लगता है, फिर ये कैसे हो सकता है? तीसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ इसी किताब में ये बात क्यों लिखी हुई है, कहीं और क्यों नहीं लिखी हुई है? अगर ऐसी बात होती तो बहुत सारे पुस्तकों में इसकी चर्चा होती, बहुत सारे पुस्तकों में इसका इस पर बात की गई होती, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चौथी बात कि ये प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है, चहमान है, ये अपने आप को अग्निवंशी तो कोई नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई अपने आप को चंद्रवंशी कहता है, कोई सूर्यवंशी कहता है, कोई यदुवंशी कहता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत बस एक कहानी है, बस एक किस्सा है, कहने वाली बात है। तो इस तरह से हम देखें तो इस सिद्धांत को भी अगर कुछ मानने वाले हैं तो कुछ नहीं मानने वाले भी हैं। राजपूत भारतीय थे, तो बहुत सारे विद्वानों का, अधिकांश भारतीय विद्वानों का कहना है कि राजपूत जो है कोई विदेश से नहीं आए थे, ये हमारे वैदिक कालीन संस्कृति से लगातार चले आ रहे हैं, वही क्षत्रिय जिन्होंने समाज का, राज्य का, रक्षा का भार अपने ऊपर लिया था, वो क्षत्रिय वही बाद में राजपूत कहलाए। और इस मत के समर्थक कौन है? इस मत के समर्थक है सी वी वैद, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, के मुंशी, के एस अयंकर, विशुद्धानंद पाठक, बी सी गांगुली, ये सारे लोग जो हैं, बी एन पुरी, इनका कहना है कि राजपूत भारत के ही थे और वैदिक काल से जो चले आ रहे क्षत्रिय थे वही क्षत्रिय हैं, वही राजपूत हैं। और इस पर भी इसमें से एक दशरथ शर्मा का कहना है कि ये राजपूत जो हैं ये ब्राह्मण ही थे, क्योंकि ये भी वत्स गोत्र के थे और ब्राह्मण थे, क्योंकि इन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, समाज धर्म की रक्षा का भार ले लिया, इसलिए वो राजपूत हो कहलाने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय थे वही राजपूत कहलाए इनके अनुसार। और ये सच भी है कि हम देखते हैं कि ये चहमान जो हैं ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, ये परमार जो हैं चंद्रवंशी सूर्यवंशी अपने आप को कहते हैं। तो हम जान रहे हैं, हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्यवंशी राम, चंद्रवंशी, ऐसे ऐसे जो हम पढ़ाई मैंने पढ़ते हैं जानते हैं, उसी के आधार पर ही अपने आप को चंद्रवंशी या सूर्यवंशी कहते हैं। ये विदेशियों के आने की बहुत पहले की बात है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी ये जो जिक्र होता है ये बहुत पहले की बात है, इसको हम विदेशियों से नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये राजपूत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यह निष्कर्ष के तौर पर अगर कहा जाए तो भारतीय ही थे। समय का असर था, क्योंकि
जो बाहर से विद्वान आए, बाहर से विदेशी जो लेखक आए, इतिहासकार आए, उन्होंने अपनी नजर से देखा। उस समय हमारा भारत भी गुलाम था, भारतीयों को हीन दिखाने की प्रवृत्ति थी। हम देखते हैं कि किस तरह इन राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। तो इनमें जो कैपेसिटी था, इनका जो शौर्य था, इनमें जो बल था, इसे भी विदेशियों को यह कहना अच्छा नहीं लगा कि ये भारत के हैं। उन्होंने कहा ये तो विदेश के हैं, इसीलिए ये बहुत बलशाली हैं, इसीलिए इन्हें इनके पास बहुत शौर्य है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि अगर वो विदेशी होते तो बहुत सारे अन्य मुस्लिम लेखक आए हैं हमारे यहाँ, अन्य देशों के यात्रा करने वाले विद्वान आए हैं जिन्होंने एक से एक यात्रा वृत्तांत लिखी है, उन्होंने समाज के बारे में लिखा, जाति के बारे में लिखा। अगर ये विदेशी होते तो कहीं ना कहीं तो उसका जिक्र जरूर होता। तो इन सब बातों पर अगर हम गौर करें तो हम यही पाते हैं कि जिनका कहना है कि राजपूत विदेशी थे, वह बस एक सोच पूर्वधारणा है। क्योंकि मानव शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें, एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार देखें, तो यहाँ के राजपूतों की जो कदकाठी है, जो उनके उनकी शारीरिक बनावट है, वह यहाँ के लोगों से मिलती है, ना कि विदेशियों से मिलती है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो बहुत सारा आधार ऐसा है जो यह बताता है कि क्षत्रिय सॉरी राजपूत जो हैं वह वही क्षत्रिय थे जो प्राचीन भारत के इतिहास में, जिन्हें हम समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में रखते थे, वही क्षत्रिय बाद में आते आते राजपूत हो गए। और 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक भारत के इतिहास में इसका या इन जातियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसीलिए हम आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि राजपूत कौन थे। तो इसके साथ ही आज मैं इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करती हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। धन्यवाद।